सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 24 अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त से लेकर आज तक यानी कि 31 अगस्त तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस भी किया था कि जब इस मंथ का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, अगस्त पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इस मंथ का एक MCQ वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको अगस्त मंथ का पूरे करेंट अफेयर का एक MCQ वीडियो भी मिलने वाला है। और उस MCQ वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, या आप इसे कह सकते हो कि आपका पूरा करेंट अफेयर का जो है अगस्त महीने का एक बेहतर तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो साथ में हम लोग रिवाइज़ भी करते चलेंगे और अब से हर महीने ये वाला प्रोसेस हम लोग चलाएंगे। जैसे अब सेप्टेम्बर स्टार्ट होगा तो सेप्टेम्बर में लगभग 4 सप्ताह हम एनालिसिस करेंगे और लास्ट में पूरा एक वीडियो में हम रिवीजन कर लेंगे जो कि MCQ बेस्ड पर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, आप नहीं जुड़े हो तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, या फिर वीडियो पसंद आने पे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जो कंटेंट होता है बहुत मेहनत से तैयार होता है और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट दिया जाए, कंसिस्टेंट वे में दिया जाए। और मुझे लगता है और जहाँ तक मुझे पता है मैंने ये आप लोगों को दिया है, तो आप लोगों का ये काम बनता है कि आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसमें जिन तक वीडियोस नहीं पहुंच पाते कंसिस्टेंट वे में या एक ऑथेंटिक कंटेंट नहीं पहुंच पाता, उनको भी फ़ायदा पहुंच जाएगा अगर आप शेयर करते हो। तो अपने ओर से जो भी आपकी भागीदारी है अपनी तरफ से उसे आप बखूबी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितना इसे शेयर करते हो। क्योंकि आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है, एक सब्सक्राइबर अगर जुड़ता है तो हमें मोटिवेट करता है, हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं हमसे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे काम को लोग सराहित कर रहे हैं, हमारी सराहना कर रहे हैं, तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए। और टेलीग्राम और या फिर इन पेजेस से जुड़ने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो यहाँ नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पर हम कुछ कंटेंट भी अवेलेबल करवाते रहते हैं, तो यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट कंपटीशन कम्युनिटी सर्च करके भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो हम इसी तरह से आगे और बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाते रहेंगे। अभी तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का है, आने वाले समय में नेशनल लेवल पे भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए भी बेहतर तैयारी चल रहा है, बेहतर प्रिपरेशन चल रहा है। तो बस थोड़ा सा वक्त दीजिए और आप लोग अपना सपोर्ट जो है वो हमारे साथ बनाए रखें। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप लोगों के लिए एक हाफ़ ईयरली मैगज़ीन भी तैयार किया गया है और ये मैगज़ीन जो है आपके निजी बुक स्टोर्स में अवेलेबल है। तो आप अपने इन नज़दीकी बुक स्टोर्स पर जाएं और वहां से ये मैगज़ीन को प्राप्त कर सकते हो। बहुत लोगों की डिमांड थी कि एक हाफ़ ईयरली, तो जो लोग हमारी मंथली मैगज़ीन को प्राप्त नहीं कर पाते या उससे नहीं कवर कर पाते, तो उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इस हाफ ईयरली मैगज़ीन से संपूर्ण करेंट अफेयर को एनालिसिस कर सकते हो या फिर आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके सबसे पहले कुछ 1 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना, और अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, और एक बात और, इसमें से आप बहुत लोग बोलोगे भी किसका आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करते हो आप लोग, तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एडवर्टाइज़मेंट करने का मतलब ये क्या हुआ, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये लोगों की ज़रूरत है, यह मैगज़ीन लोगों को बहुत काम आने वाली है, लोगों को बहुत मदद पहुंचाएगी, तो ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और अगर उन तक जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाई है कि ये मैगज़ीन आ चुकी है, तो उन लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अपने मन में नकारात्मक विचार ना रखें उन लोगों के लिए जो नकारात्मक विचार रखते हैं और जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इसीलिए
इन सब बातों को जो है वो आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा से लगातार प्रयास करते हैं कि कुछ बेहतर करें, और इसी बेहतर में आपका साथ रहा तो और आगे बेहतर करते चलेंगे, ठीक है। बाकी सब आप लोगों के ऊपर में है कि आप लोग इसे किस तरह से देखते हो, पॉजिटिव वे में देखते हो या नेगेटिव वे में देखते हो, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है या फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की सूची में अंबिकापुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्लियरली बताया था कि आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति या फिर 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है, 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, और अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है, आराम से फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस है ऐसे पूछे जाने का। आंसर आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, फिर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि किस तरह से तैयारी चल रही है और आप लोग किस तरह से हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए, और जितने भी टॉपिक्स आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछते चलूँगा, तो उसका जवाब भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करते चलिएगा, ठीक। चलिए, तो जो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, जो भी हमारी विधायिका होती है, चाहे संसद हो चाहे या फिर विधानसभा हो, तीन जो मुख्य रूप से होता है वो सत्र चलता है, बजट सत्र होता है सबसे पहले, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र, और इसके बाद अगर ज़रूरत महसूस होता है तो विशेष सत्र भी सदन की तरफ से बुलाया जाता है। तो इस बीच मानसून सत्र जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा का संपन्न हुआ है, कब से कब तक, 25 अगस्त से 28 अगस्त तक। बहुत छोटा इस बार सत्र चला कोरोना की वजह से, सिर्फ 4 दिनों का यह सत्र था। डेट याद रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कितने दिनों का चला, तो ये 4 दिनों का चला, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कब से कब तक चला इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देख लेते हैं कि इस मानसून सत्र में कुछ जो खास बातें रही वो किस प्रकार से रही। तो एक विधेयक जो है वो पारित किया गया, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020, और इस विधेयक के तहत बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है, और बस्तर विश्वविद्यालय का नाम जो है अब महेंद्र कर्मा के नाम से रखा जाएगा, और अब इस विश्वविद्यालय को शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। हमने कई बार महेंद्र कर्मा जी के बारे में एनालिसिस किया है, इसलिए इस वीडियो में महेंद्र कर्मा जी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात हैं, और 2013 में जब झीरम घाटी का हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे हमारे कांग्रेस के नेता मारे गए थे, तो उनमें से एक नाम महेंद्र कर्मा का भी था, तो इसीलिए जो बस्तर में विख्यात थे ये बस्तर टाइगर के नाम से, तो इन्हीं के नाम से अब इस विधेयक के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय का नाम होगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का त्रैमासिक एक मैगज़ीन होता है, यह रिसर्च मैगज़ीन होता है जिसका नाम है विधायन, नाम याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक क्वार्टरली मैगज़ीन होता है, रिसर्च मैगज़ीन होता है, उसका नाम है विधायन, इसको भी लॉन्च किया गया है, ये त्रिमासिक 2020 का, कोरोना काल में 2000 बजट सत्र में इसका लॉन्च नहीं हो पाया है, तो अब इसको लॉन्च किया गया है। हालांकि इसे पहले भी लॉन्च किया जाता था जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसी समय से इसका लॉन्चिंग होता था, और 2001 से लेकर 2010 तक इस मैगज़ीन को लगातार प्रकाशित किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से इस मैगज़ीन का प्रकाशन नहीं हो रहा था, यानी कि इस पत्रिका का प्रकाशन नहीं हो रहा था, अब पिछले वर्ष से इसका प्रकाशन होने लगा है जिसका नाम है विधायन, और इस बार जो इसका त्रैमासिक प्रकाशन लॉन्च किया गया है इसका जो फोकस है वो है पर्यावरण पर केंद्रित, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चाहे पर्यावरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाए, इन सब पर फोकस किया गया है इस अंक में। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विधायिनी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा जारी एक शोध पत्रिका है,
ठीक है, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ भाषा पर जो है वो शासकीय संकल्प। आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को बार बार ये मांग उठाया जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। तो इसीलिए अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस सत्र के दौरान एक संकल्प पारित किया गया, और यह एक शासकीय संकल्प है, यानी कि सर्वसम्मति से सरकार के द्वारा विधानसभा में एक संकल्प पारित किया गया, और इस संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया है, लेकिन बार बार ये मांग उठता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को भी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय जो भाषा हैं, जैसे सिंधी हो गया, तमिल हो गया, इन सारे भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और जब से राज्य गठित हुआ है तब से यह मांग जो है कई बार उठाया भी गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को भी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा भी है, और छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा आयोग का गठन जो है वो 28 नवंबर 2007 को एक विधेयक पारित करके यहाँ पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, और 28 नवंबर को यह विधेयक पारित हुआ था 2007 में। इसीलिए 28 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 28 नवंबर को हम लोग राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस राजभाषा का प्रकाशन जो है 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में किया गया था, और इस आयोग का जो कार्य है राजभाषा आयोग का 14 अगस्त 2008 से चालू हुआ था। तो इस तरह से कुछ एडिशनल फैक्ट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं। इसके बाद आठवीं अनुसूची संविधान का, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, संविधान का जो आठवां अनुसूची है वो 22 प्रादेशिक भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, या फिर संविधान में उल्लेखित करता है। इस सूची में जो है मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस सूची में जोड़ा गया है, और जिन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है उसमें से सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और बाकी भाषाओं को किस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा गया है ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट टाइम जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत में, कौन से भाषा को, 2003 में मैथिली और संथाली भाषा को लास्ट टाइम 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नया विधानसभा भवन, जिसका भूमि पूजन कब किया गया, 25 अगस्त 2020 को। नया विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का कहाँ निर्मित होगा, नया रायपुर में। नया रायपुर में कहाँ, तो जो आपका महानदी भवन है और इंद्रावती भवन है, और उसी भवन के पीछे जो है आपका नया विधानसभा भवन बनेगा, जो कि 51 एकड़ भूमि में होगा, और यह लगभग जो बिल्डिंग इसका बनेगा 52,497 वर्ग मीटर में इसका पूरा बिल्डिंग होगा। लक्ष्य रखा गया है 2 सालों में इस बिल्डिंग को बनाने का, यानी कि नया विधानसभा खड़ा करने का। विधानसभा के इस नए भवन को बनाने के लिए जो बजट का प्रस्ताव तैयार किया गया है वो 270 करोड़ रुपए का किया गया है। तो नए विधानसभा से संबंधित इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स 2020, जिसे कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, और नीति आयोग इस रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने के पीछे का उद्देश्य है राज्यों के बीच में एक्सपोर्ट के प्रति, यानी कि निर्यात के प्रति उनमें बढ़ावा देना, उनकी क्षमता को परखना, उनमें बेहतर इकोसिस्टम को डेवलप करना, इन्हीं सब उद्देश्य के साथ में जो है इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगर इस इंडेक्स के अनुसार देखें तो निर्यात तत्परता के मूल्यांकन में जो है गुजरात सबसे पहले नंबर पर आता है, एक्सपोर्ट के मामले में सबसे बेहतर राज्य माना जाता है गुजरात, उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु आ जाता है, और ये जो तीनों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो स्टेट हैं वो सब के सब कोस्टल
स्टेट हैं यानी कि समुद्री तट से जुड़े हुए राज्य हैं। इसके बाद शीर्ष 10 स्थान में अगर हम बात करें अन्य राज्यों में, तो राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो रैंक है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल टॉप 10 में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान आपका 7वां आता है। लेकिन अगर आप लैंड लॉक स्टेट में देखते हो, लैंड लॉक स्टेट का मतलब ये हुआ कि इसके चारों ओर भूभाग वाला एरिया स्थित है, और इस रैंकिंग में अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ 4th नंबर पे है भूभाग वाले मामले में। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का अगर ओवरऑल रैंकिंग देखोगे एक्सपोर्ट के मामले में पूरे भारत में तो 7th है, और लैंड लॉक स्टेट के मामले में अगर आप देखोगे तो ये 4th है। बस आप इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। और लैंड लॉक के मामले में यानी कि भूमि सीमा से घिरे हुए राज्यों में अगर आप बेहतर नंबर पर आ पाओगे तो राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है। इस इंडेक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसका जो विचार है 2019 में नीति आयोग ने रखा था, और उसके बाद इस वर्ष 2020 में इसका पहला इंडेक्स जारी हुआ है। और इस इंडेक्स के 4 स्तंभ हैं, या फिर आप इसके 4 पैरामीटर कह सकते हो। इन्हीं पैरामीटर के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है पॉलिसी, देखता है कि कौन से राज्य में एक्सपोर्ट से रिलेटेड किस प्रकार से पॉलिसीज बनाए गए हैं। उसके बाद बिजनेस इकोसिस्टम यानी कि व्यवसाय परितंत्र को देखा जाता है कि बिजनेस का वहाँ का इकोसिस्टम किस प्रकार से है। उसके बाद एक्सपोर्ट इकोसिस्टम देखा जाता है कि उस राज्य का जो एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम है किस प्रकार से है, और उसके बाद एक्सपोर्ट को देखा जाता है। तो ये इसके 4 स्तंभ आप कह सकते हो। इसके बाद निर्यात जो है प्रदर्शन यानी कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। तो 4 स्तंभ पर जो है इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। छत्तीसगढ़ का रैंकिंग जरूर याद रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, ओवरऑल 7th और लैंडलॉक स्टेट के मामले में 4th। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक कैंपेन है हर घर स्कूल। इस कैंपेन को शुरू किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। हर घर स्कूल नामक एक शिक्षा अभिनव है जिसे कि शुरू किया गया है सिर्फ दुर्ग जिले में, और इस अभियान के तहत पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बच्चों को अगस्त से नवंबर माह तक प्रारंभिक भाषा में अध्ययन करवाना है। कहने का मतलब है इस कोरोना काल के दौरान बच्चे ना तो आंगनबाड़ी जा सकते हैं, ना तो अपने प्राइमरी स्कूल जा सकते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों को घर में ही उनके परिवार के साथ में किस प्रकार से शिक्षकों से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, तो इसीलिए हर घर स्कूल नामक एक अभिनव को दुर्ग जिले में शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जिसके तहत फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को जो है वो अगस्त से नवंबर माह तक प्रारंभिक भाषा में अध्ययन करवाया जाएगा फ़ोन कॉल्स के माध्यम से और वीडियो कॉल्स के माध्यम से। तो ठीक है, इस अभिनव या फिर इस अभियान के बारे में याद रखिएगा, किस जिले में शुरू किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोचो जज की मोचो अस्पताल अभियान। इस अभियान को कोंडागांव जिले में शुरू किया गया है, और इस अभियान को शुरू किया गया है गर्भवती महिलाओं की पूर्ण देखभाल एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा मोचो जज की मोचो अस्पताल को शुरू किया गया है। तो इस अभियान के बारे में ध्यान रखिएगा, और इस अभियान के तहत जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है, गर्भवती माताओं को गर्भकाल में प्रथम महीने से ही निगरानी में रखा जा रहा है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रख सकते हो। 2 नंबर में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर महिलाओं से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चंस मेंस में पूछा जाता है तो इस तरह के कैंपेन का आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक, चलिए क्लियर है, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गपशप पत्रिका। इस पत्रिका को शुरू किया गया है परियोजना विजय के अंतर्गत। अब ये परियोजना विजय क्या है? तो परियोजना विजय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया विद्यार्थियों को विभिन्न जीवन कौशल के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से, यानी कि आपको कैसे जीवन व्यतीत करना है, आगे भविष्य में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन सब जीवन शैलियों को सिखाने के लिए परियोजना विजय को शुरू किया गया था। और कोविड-19 में इस विजय परियोजना के तहत यानी कि परियोजना विजय के तहत एक पत्रिका लॉन्च किया गया है, उस पत्रिका का नाम है गपशप
और इस पत्रिका को ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। और इस गपशप ऑनलाइन पत्रिका के तहत में जो बच्चों को है यानी कि छात्रों को जो है वो जीवन जीने की शैली सिखाएगा अलग अलग तरीकों से। तो बस गपशप पत्रिका किस उद्देश्य के साथ में लाया गया है, परियोजना विजय के बारे में याद रखिएगा और गपशप पत्रिका के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे वन डे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तितलियों का दुर्लभ प्रजाति मिला है। और ये पहली बार नहीं है, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इससे पहले भी तितलियों का दुर्लभ प्रजाति मिलते रहा है। तो अभी जो भारत में कुछ विलुप्त जो तितलियां हैं उन दुर्लभ प्रजातियों में स्पॉटेड एंगल को देखा गया है भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य में। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, अभी भारत की दूसरे नंबर के आकार में सबसे बड़ी तितली जिसका नाम है ब्लू मार्मोन, उसको भी भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत में सबसे बड़ी दूसरी जो तितली है जिसका नाम है ब्लू मार्मोन, उसको देखा गया है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि बहुत दुर्लभ भी मानी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दो पॉइंट हो गए कंटेक्स्ट यानी कि न्यूज़ में है। अब यहाँ पर भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगभग 90 से अधिक प्रजातियों की तितली का बसेरा है, जिसमें से कई दुर्लभ को भी माना जाता है। और सरकार की तरफ से या फिर वन विभाग की तरफ से इस क्षेत्र को जो है पक्षियों के लिए या फिर तितलियों के लिए संरक्षित करने की मांग जो है वो लगातार उठते आ रही है। भोरम देव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो गठन 2001 में किया गया था, क्षेत्रफल इसका लगभग 352 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न भी बनता है, भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसके अलावा कौन से राष्ट्रीय उद्यान के साथ में यह मिलता है? तो इन दोनों का आंसर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जगदलपुर एयरपोर्ट का जो नाम होगा दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी माई के नाम से होगा, क्योंकि बस्तर में जो है दंतेश्वरी माई बहुत प्रचलित हैं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं। तो उन्हीं के नाम से अब जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम होगा। तो इस प्रकार से जगदलपुर एयरपोर्ट का जो नाम बदलने का फैसला है वो ले लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद दंतेश्वरी मंदिर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देवी पुराण में देखिए 21 शक्तिपीठों का जिक्र है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानीय मान्यताओं का अगर माने तो कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। इस कहानी के अनुसार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माता मंदिर को 52वां शक्तिपीठ माना जाता है, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी पुराणों में 51 शक्तिपीठों का ही उल्लेख है। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 52वां शक्तिपीठ जो है वो दंतेश्वरी माता को माना जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। मान्यता है कि देवी सती का यहाँ पर दांत गिरा था और इसी पर इलाके का नाम जो है वो दंतेवाड़ा पड़ता है। और इस दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो मंदिर का निर्माण है, दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण, वो 14वीं सती में चालुक्य राजाओं ने दक्षिण भारतीय वास्तुकला से बनवाया था। यहाँ देवी की षष्ठभुजी काले रंग की मूर्ति स्थापित की गई है। 6 भुजाओं में देवी के दाएँ हाथ में शंख है, इसके अलावा खड्ग है, त्रिशूल है, बाएं हाथ में घटी है, पदुम है और राक्षस के बाल धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से दंतेश्वरी माता मंदिर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम दंतेश्वरी माँ के नाम पर होगा, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दंतेश्वरी माँ से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता हो, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से और कई बार पूछा भी गया है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यानी लास्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है जगदलपुर में दुर्लभ प्रजाति का एक पेंगोलिन देखा गया है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन देखा गया है, लेकिन हाल ही में जसपुर जिले के कुनकुरी की रायकेरा पंचायत आप कह सकते हो, और इस रायकेरा पंचायत के अंदर के एक आश्रित ग्राम है भुरसा, यानी कि पूरा मैंने तोड़ दिया है तो पूरा क्लियर हो गया कौन सा जिला कौन सा एरिया, इसके अलावा पंचायत रायकेरा है, इसके अलावा आश्रित ग्राम है भुरसा, यहाँ के एक कुएं में बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन देखा गया है।
पेंगोलिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले पेंगोलिन जो है बादलखोल अभ्यारण में भी देखा गया था। और बादलखोल अभ्यारण चलो बताओ कौन से ज़िले में है, छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, जसपुर में है। चलो आप ये बता दो कि बादलखोल खोर अभ्यारण जो है वो कब गठित किया गया और इसका क्षेत्रफल कितना है। ये दो क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिएगा, अगर पढ़ रखे हो तो आपको रिकॉल करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, किसका, पेंगोलिन का। इसका वैज्ञानिक नाम है मैनिस क्रेसिकाउ डाटा। और कहाँ कहाँ ये मिलता है पेंगोलिन, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और कई जगह पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिलते हैं, चीन में भी ये पाया जाता है कुछ कुछ देशों में। इसकी टोटल 8 प्रजातियां होती हैं। इसकी विशेषता एक खास याद रखिएगा कि पेंगोलिन जाति की तरह यह समूह की बजाय अकेला रहना पसंद करता है, कौन, पेंगोलिन, ठीक है। और ये जो इस तरह से कुछ, ये पेंगोलिन की मैं बात कर रहा हूँ ये, और इसका बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी किया जाता है और इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी तस्करी इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत मान्यता है कि पेंगोलिन को मारकर खाने से स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा, इसका मेडिसिन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी अफवाहें भी हैं, इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में इसका तस्करी भी किया जाता है और यह दुर्लभ भी हो चला है। तो इसीलिए पेंगोलिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में पेंगोलिन कहाँ पाया गया है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो दो बातें याद रखिएगा, एक तो बादलखोल अभ्यारण जो कि जसपुर में ही स्थित है और जिस एरिया का यानी कि जिस गांव का नाम मैंने बताया उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, वहाँ भी पाया गया है जो कि जसपुर में ही स्थित है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। MCQs वाले वीडियो के लिए 102 दिन वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी MCQs वाला वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिस तरह से मैंने शुरू में बोला कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हैं तो, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।